अमेरिका, रूस, सऊदी, जिसके आगे आज है नतमस्तक। कभी वो आम जिंदगी जीने के लिए थे मजबूर, पूरी दुनिया में इस वक्त जिसका बज रहा डंका, उन्हें कभी दो वक्त की रोटी नहीं थी नसीब। देश की सबसे तगड़ी सिक्योरिटी में रहने वाला शख्स, कभी खाते थे दर दर की ठोकरें, सर्दी में बिना छत सोने पर थे मजबूर। आज उन्हीं पीएम मोदी की जिंदगी के वो भावुक किस्से जो आपकी आंखें नम कर देंगी। जिद, जुनून, मेहनत और लगन, कहते हैं जिस इंसान ने ये बातें ठान ली उसे सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पीएम मोदी की जिंदगी के उस सफर पर जिसमें मेहनत, लगनशीलता, कर्तव्य परायणता, जुझारूपन और देशभक्ति है। तारीख थी 17 सितंबर 1950। गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा गया। ये तस्वीरें वडनगर के उसी मोहल्ले की हैं जहां बालक नरेंद्र मोदी का बचपन बीता, जहां उन्होंने जिंदगी का वो हिस्सा जिया जो कि वो कभी भुला नहीं पाएंगे। यहीं से उन्होंने पढ़ाई की, सपने देखे, संघर्ष किया और फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। 17 सितंबर 1950, गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक लड़के का जन्म इसी घर में हुआ था। हीराबेन और दामोदर दास मोदी के बेटे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म यहीं पर 1950 में 17 सितंबर को हुआ था। ये उनके दादा का घर है और इस पूरे गांव में कुल 14 घर मोदी के हैं, जिसमें उनके दादा के घर, उनके पिता के घर और उनके भाइयों के घर हैं। यहीं से नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, इन्हीं गलियों में खेले और इन्हीं गलियों में खेलने के बाद पढ़ाई भी की और यहां पर तमाम दोस्त यार भी उनके बने। और यहां से जब वो निकले तो उनका कारवां हमेशा आगे बढ़ता गया। 2002 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 3 बार वो मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद 2014 में वो केंद्र की राजनीति में आए और प्रधानमंत्री बने। 2 बार हो गए उन्हें प्रधानमंत्री बने और उसका सफ़र इसी घर से शुरू हुआ था 17 सितंबर 1950 को, जब उनका जन्म हुआ था। फिलहाल ये वही गलियां हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बचपन में थे, यहां पर वो खेले, यहीं खाए, यहीं बड़े हुए। और ये उनका दादा का घर जिस घर में उनका जन्म हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ से निकलकर उन्होंने कैसे अपनी मेहनत और लगन से वो हर एक मुकाम हासिल किया जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। ऐसे में आज उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे रोचक किस्से बताएंगे जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे संघर्ष करके दुनिया में पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया और कैसे उनकी शख्सियत इतनी प्रभावशाली और भौकाली बनी। सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। पीएम बनने के बाद अक्सर सैनिकों के साथ वक्त बिताते हुए पीएम मोदी को देखा गया, जहां वो सैनिकों से बात करते नजर आते हैं, देश सेवा के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि सैनिकों के लिए एक बार 1971 में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद हर तरफ उनकी तारीफ हुई थी। ये बात 1971 की है, जंग छिड़ चुकी थी। तब मोदी की उम्र 21-22 साल थी।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से आर्मी को जाना था। मोदी ने तय किया सभी सैनिकों को चाय पिलानी है। आसपास के लोगों से बोला गया कि हर एक घर से लोग 5-10 कप चाय लेकर आएंगे। इस तरह से पूरा समाज सैनिकों को चाय देने के लिए स्टेशन पर आ गया। इससे सैनिकों का उत्साह बढ़ा और सबने सैनिकों के पराक्रम को सलाम ठोका। रैलियों के बीच मोदी करते थे सर्वे। जब मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तब भी उन्होंने पूरे जोश और जुनून के साथ काम किया। 90 के दौर में संगठन के लिए काम करते समय मोदी बड़ी रैलियों में कभी भी मंच पर नहीं बैठे। इन बड़ी रैलियों के दौरान मोदी ये पड़ताल किया करते थे कि इंचार्ज ने कितनी भीड़ जुटाई है। फिर वो जनसभा में घूम घूम कर पता करते थे कि कौन किसके जरिए आया है। जब सर्दी में बाहर सोए। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे। यहाँ पर भी उन्होंने मेहनत और लगन से काम किया। काम की वजह से घर आने में देरी होती थी। संघ के काम में मोदी इतना मशगूल रहते थे कि उन्हें इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही एक दिन ठंड के मौसम में घर देरी से पहुंचे। घर में सब सो चुके थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने घर का दरवाजा खुलवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे औरों को दिक्कत होती। इसीलिए घर के बाहर एक लकड़ी के बोर्ड पर ही वो सो गए। सर्दी में वहीं पूरी रात बिताई। कभी दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। मुफलिसी का दौर था, दो वक्त की रोटी बड़े नसीब से मिलती थी। ऐसे में एक बार एक मीटिंग के दौरान रात में काफी देर हो गई, तो गुजरात के भाजपा नेता मिहिर पांड्या बताते हैं कि मोदी से उन्होंने पूछा कि आपको इतनी देर हो गई है, अब कहाँ खाना खाएंगे और क्या खाएंगे। तब मोदी ने जवाब दिया था, नसीब में होगा तो मिल जाएगा, वरना गुड़ चना खाकर काम हो जाएगा। बड़े पद के बावजूद कार्यकर्ता बने रहे। आज पीएम मोदी के सामने दुनिया के बड़े बड़े देश नतमस्तक हैं। 2014 से ही उनका भौकाल बुलंद हुआ है। ऐसे में गुजरात में एजुकेशन काउंसलिंग का काम करने वाले सुनील लोढ़ा एक किस्सा सुनाते हैं। ये बात तब की है जब मोदी सीएम हुआ करते थे। उस समय खमार नाम के एक डीएफओ थे, उनका लड़का मुझसे काउंसलिंग लेता था, तो काफी बार घर पर जाना होता था। एक बार ऐसे ही बातचीत होने लगी तो मैंने पूछा कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद काम कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि नरेंद्र भाई के साथ मीटिंग के लिए हम अलग अलग विषयों पर कम से कम 10 सवालों पर होमवर्क करके जाते थे कि ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन मोदी ने हम सबसे ही एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब हमारे पूरे डिपार्टमेंट के पास नहीं था। वो सवाल डिपार्टमेंट से ही जुड़ा था। ऐसे में पता चला मोदी एक कार्यकर्ता की तरह सीएम बनने के बाद भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यशस्वी राजनेता हैं और उनकी समझ सबसे अलग है। दुनिया के बॉस बन गए पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने डंके की चोट पर कहा, पीएम मोदी इज द बॉस। He didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. अब ये बताने के लिए काफी है कि पीएम मोदी का भौकाल कैसे पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। आज कोई उन्हें बॉस बता रहा, कोई पैर छू रहा, कोई बड़ा भाई बता रहा, कोई अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहा, तो कोई विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता बता रहा। ये कहानियां अपने आप में ही पीएम मोदी की शख्सियत को बयां करती हैं कि कैसे गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर से निकलकर वो हिंदुत्व के ब्रांड बने, फिर सीएम बनकर गांधीनगर पहुंचे, उसके बाद दिल्ली पहुंचकर देश का प्रतिनिधित्व किया और भारत का भौकाल बुलंद करते हुए बता दिया कि नरेंद्र मोदी औरों से अलग हैं और अलग रहेंगे। बाकी पीएम मोदी के लिए इन पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नव युग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है।